हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब कैरियर से होंगे। मैं हूं आपके साथ सुमेरा। तो आज का मेरा टॉपिक है ब्लॉग का लव स्टोरी, ठीक है। तो काफ़ी कमेंट्स आए हुए हैं, ऐसे भी सबने पूछा हुआ है कि हमारी लव स्टोरी क्या है, हम आपस में कज़न हैं या मतलब क्या हमारा रिश्ता है, किस तरह हम यहाँ तक आए। तो आज हमने सोचा कि उन्हें एक ब्लॉग बना के आपके साथ शेयर करें अपनी लव स्टोरी, ठीक है। तो बस आज हमारा टॉपिक यही। तो आप क्या कहते हैं, अपनी लव स्टोरी शेयर करनी है या अपनी गलती? ठीक है, तो अब हम शेयर करते चलें, स्टार्ट करते हैं अपना ब्लॉग। अच्छा फ्रेंड्स, तो हम आगे अब हम स्टार्ट करते हैं अपना ब्लॉग, मतलब कि हमारी लव स्टोरी जो है अब हम वो बताना स्टार्ट करते हैं। तो आप स्टार्ट करेंगे या मैं? आप स्टार्ट कर ले। वैसे स्टार्ट करना कहाँ से है, हम यहाँ तक पहुँचे, स्टार्ट आप ही का था। अच्छा। तो आज बताने में भी स्टार्ट आप ही का। स्कूल से स्टार्ट करते हैं। हाँ। से तो स्टार्ट ही वहीं से। एक्चुअल में मैं एक टीचर था, तो ये भी स्कूल में पढ़ाती थी। तो 2016 की बात है मेरे ख्याल से, मैंने स्कूल ज्वाइन किया था। तो ये जिस स्कूल में थी, तो 2016 में मैंने वो स्कूल ज्वाइन कर लिया। तो यकीन करें मैं बहुत शरीफ बंदा था, मुझे जो है ना सिर्फ दिखने में थे, सिर्फ दिखने में थे। वैसे तो मैं बड़ा शरीफ था। तो मैंने जब स्कूल ज्वाइन किया था, तो मैं बहुत ही यकीन करें बड़ा शरीफ लड़का था, मतलब एक टीचर था वहाँ पे। थे नहीं, बस दिखा रहे थे, क्योंकि होते तो आज तक होते। तो इनकी एक ग्रुप थी टीचर्स की, तो वो जो है ना स्कूल में होता है, टीचर्स होते हैं। हाँ, हमारा एक फ्रेंड्स ग्रुप था। जाहिर उनकी एक लाइफ होती है, वो भी एंजॉय करना होता है। तो फ्रेंड्स के ग्रुप में जो है ना इन्होंने, और सबसे बड़ी बात, उस स्कूल में वो ही ठहरता था जैसे कि जो हमें अच्छा लगता था। आप हमें अच्छे लगे तो वहाँ ठहरे, हम यहाँ तक पहुँचे। तो हुआ ये कि मैं इनके ग्रुप में ऐड हो गया था। तो पहले इन्होंने मुझे बहुत तंग किया, ग्रुप ने, फिर लास्ट में थोड़ा बहुत लगा इनके माइंड के साथ, मेरा माइंड मैच होने लगा। तो हम इनके अब थे ही हमारे माइंड, तो फिर हमने ज्वाइन कर लिया इनका ग्रुप। तो अच्छा खासा जो है ना हंसी मजाक हमारे ग्रुप में चलता रहा। तो जस्ट फ्रेंडली थे हम सब। तो हमारे ग्रुप में बाकी जो थे वो दूसरे लैंग्वेज के थे, जैसे कि पंजाबी, बटान, हजार वाला, जो भी थे। हम दोनों ही हमारे ग्रुप में बलूच थे। तो एक और बलूच थी, लेकिन हम दोनों ही थे जो मतलब एक दूसरे के साथ थोड़ा सा हंसी मजाक ज्यादा करने लगे। तो जस्ट एज अ फ्रेंड हम बात करने लगे, हंसी मजाक करने लगे, लेकिन मेरे ख्याल से जस्ट फ्रेंड थे। आपकी बहुत तंग खींचती थी। हाँ, मुझे बहुत तंग करती थी वगैरह, लेकिन हम जस्ट सबको करती थी, जो नया आता था या नहीं भी होता था, मतलब पूरे स्कूल में यही होता था कि चुप रहा करो। मैं बहुत ज्यादा बोलती थी, आज भी बोलती नहीं, बोलती तो ये बहुत थी, बोलती सबको तंग करती थी। तो हमारे ग्रुप में एक लड़का भी था, बड़ा अच्छा शरीफ सा लड़का था, मेरा भाई है, अब्बास नाम है, था भी नहीं है, लेकिन वो बड़ा शरीफ था। मैं थोड़ा सा जो है ना आस्ता आस्ता, क्यों अब नहीं है, अगर उन्होंने व्लॉग देख लिया तो। नहीं, वो शरीफ तो खैर अभी भी है, अगर वो देख रहा है तो। लेकिन फिर जो है ना हम ग्रुप में मिलते थे, मींस ग्रुप में स्कूल में अच्छा खासा जो है ना एक साथ बैठ के लंच वगैरह करना, मतलब हमारी पूरी ग्रुप 5-6 बंदे एक साथ बैठ के हंसी मजाक करते थे। कभी कभी ऐसा भी होता था कि बाहर अगर जाना होता तो स्कूल की तरफ से जो है ना हम लोग एक साथ बाहर जाते थे। तो उसके बाद फिर तो चले ये सब बातें हो गई है, लेकिन हमारी लव स्टोरी जो मेन टॉपिक है हमारा इस ब्लॉग का, वो मतलब कब स्टार्ट हुई थी आपको याद है? वो एक पिकनिक से स्टार्ट हुई थी, ठीक है। पिकनिक से हम जो मैंने नॉर्मली एज अ फ्रेंडशिप के लिए, मैंने खुद कहा था इनको, ठीक है हम फ्रेंड्स बनते हैं। अभी कुछ देर पहले कहा था कि हम शरीफ और शरीफ बंदा है ऐसे। असल में ये था कि मुझे कुछ चीजें अच्छी लगी, हालांकि और भी बहुत लोग होते हैं, लेकिन कुछ चीजें इंसान को अच्छा लगता है तो इंसान चाहता है कि वो अपने पास रहें। तो मैंने फ्रेंड्स एज अ फ्रेंडशिप करने के लिए बोला था, लेकिन नालायक ने वो भी मना कर दिया। तो उसमें हुआ ये कि 2-3 दिन गुजर गए फ्रेंडशिप करने के लिए, नहीं एज अ ग्रुप तो हम फ्रेंड्स थे। हाँ ना, तो हम फ्रेंड्स थे, अचानक फ्रेंड से आपने कुछ और बोल दिया तो जैसे वैसे बंदा शॉक हो जाता है। मेरा माइंड बिल्कुल नहीं था इस तरह से, मैंने मैं जो है ना बात करना छोड़ दिया था, बात करना जो है ना छोड़ दिया। तो हम पिकनिक में गए थे, तो पिकनिक में इनको इनकी फ्रेंड ने मेरी बड़ी तारीफ की,
तो अब इनके माइंड में आ गया कि यार ये बड़ा अच्छा। हाँ, तारीफ थैंक यू सीए का, क्योंकि वो मेरी हर दिल की बात समझती थी। हम लोग बहुत मतलब एक दूसरे से हर एक चीज शेयर करते थे, तो वो समझ गई थी कि कोई परेशानी की बात है। तो मैंने ऐसे ऐसे बताया कि इनके काम देखे, मैंने ऐसा ही बोला है। तो फिर बस कुछ टाइम तक हमारी, फिर मैं इनसे बात नहीं करती थी सीधे मुंह, तो फिर बात बीच में खत्म हो गई। इन्होंने कहा था अच्छा आपको सही नहीं लगा तो कोई बात नहीं, हम फ्रेंड्स ही रहते। फिर करते करते तो फिर इनको मौका मिला, फिर इन लोगों ने बाजी अपनी इसने पटाई, तो बस मतलब फिर उसके बाद फिर हाँ हो गई। जो है ना, मैंने इनको बोल दिया कि मतलब दिल में जो था प्यार, हाँ, जो मतलब डेट बने रहे, लेकिन इन्होंने शर्त रखा जी अगर आपको करना ही है तो फिर आप रिश्ता विश्ता भेजें। हाँ, क्योंकि इस तरह टाइम पास वाला नहीं, टाइम पास वगैरह सीन नहीं है। मैं सोच रहा था यार अभी तो फिर मेरे घर वाले तो नहीं मानने वाले, क्योंकि बच्चे को यहाँ पढ़ाई के लिए भेजा गया था। अच्छा नहीं लग रहा था उस टाइम, 2018 की बात है मेरे ख्याल से। तो उन्होंने मतलब कहा कि मेरे पास आईपीएल है, आप रिश्ता भेजे तो फिर मैं बात कर सकती हूँ, अदरवाइज हम बात नहीं करेंगे, एज अ फ्रेंड्स करेंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं। मुझे साफ साफ जो है ना बोल दिया, तो मैंने बच्चे का दिल तोड़ दिया। अपने घर वालों से तो ये बात कहने वाला था ही नहीं, तो बस फिर मैंने भी इस बात को इग्नोर कर दिया। तो काफी टाइम गुजर गया, एक साल तक हम दोनों की बातें फिर नहीं हुई, क्योंकि मुझे पता था मैं नहीं भेजने वाला। मेरे घर वाला खैर अभी फिलहाल नहीं भेजेंगे, अगर मैं जिद कर लूँ भेज देंगे, लेकिन ऐसा कोई मेरा मूड इरादा था ही नहीं। तो फिर इन्होंने भी कहा कि शर्त है कि रिश्ता भेजना, मैंने वो नहीं भेजा, तो फिर हमारी बात नहीं हुई। और फिर बीच में ऐसी लड़ाई, फिर इस बात पे मैंने कहा जब भेज नहीं सकते तो फिर इस तरह की बात की कैसे मुझसे। तो हमारी फिर काफी मतलब इस तरह की लड़ाई नाराजगी हुई थी कि हम एक दूसरे से बात तक करना जरूरी नहीं समझ, यहाँ तक कि आपने गुस्से में मुझे ब्लॉक भी किया हुआ था। तो हमारी काफी मंथ तक मतलब वेकेशन पे, फिर ये अपने गाँव को इटर, क्योंकि यहाँ के नहीं है शरीफ, अपने को कह रहे हैं लेकिन है नहीं, तो फिर वेकेशन ये वहां चले गए। तो मतलब बिना बताए इस तरह की छोटी मोटी लड़ाई से फ्रेंडशिप भी इन्होंने बीच में वो कर दी, फिर चले गए थे। मैं कहा चले ठीक, जब इस तरह की कोई बात कर नहीं सकते थे तो मुझे बोला क्यों है। तो हम नाराज रहे, फिर वहां से आए तो फिर इनको शायद एहसास हुआ क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन ये की बात नहीं, लेकिन लेकिन हुआ क्योंकि काफी ऐसे टीचर से फिर आप मुझे जता, हाँ नहीं पहले आप मुझे जताना चाह रहे थे। एक मतलब हमारे स्कूल में फंक्शंस तो आए दिन होते रहते थे, मैंगो डे की बात थी, तब हमारा वेकेशन के बाद हमारा मैंगो डे था। हाँ, टीचर्स के साथ असल में सलाम दुआ वो ऐसी मजाक होती रहती है। तब मैंने किसी हेड के साथ थोड़ा सा ऐसी मजाक किया, तो उस चक्कर में जो है ना इनको लग गई, मुझे लगी नहीं थी आप जता रहे थे, और जलस फील होने लगी। नहीं आपने बोला है तो आप उनके साथ इतना जाहिर सी बात है, आपने एक चीज किसी को बोली है फिर अचानक से मतलब अपने ही दुनिया में मगन थे, फिर चले गए, फिर वहां से आके किसी को जता रहे हो, कभी पिक ले रहे हो, मुझे ना सब पता है वो कौन है, बस नाम नहीं लेना है उनके पास जाके। जब मैं वापस आया तो मैं हंसी मजाक तो सबके साथ चलता था, लेकिन मैंने एक दो के साथ जब मजाक करना शुरू किया तब मुझे फील हुआ कि अब इनको जलस होने लगी, अब इनको आप जता रहे जलस हो रही है। जब मैं किसी के साथ बैठना था या किसी के साथ जो है ना, जब हम पिकनिक पे जाते थे बहुत से लोग होते थे तो जलस होती थी, पिक्चर लेना, बात करना या फिर जो भी था, तब मैं समझ गया कि नॉर्मली इनके दिल में भी कुछ है। इन्होंने उस टाइम मना किया था, उसका शर्त यह था कि रिश्ता भेज दो तब करना है, तब मैं समझ गया। फिर मैंने इनको तब मेरे माइंड में आया चलो दोबारा ट्राई कर लेते हैं। दोबारा क्या मतलब दोबारा? मैंने दोबारा बोल दिया इनको कि चलें अब मैं सीरियस हूँ आपके साथ। फिर मैंने इनको सीरियसली कहा कि चलो अब मैं आपके साथ सीरियस हूँ, तब इन्होंने फिर से वही कहा। यहाँ तक के सबसे बड़ी बात, अब इसकी बात कैसे मैं यकीन करती कि ये सीरियस है, क्योंकि इस बंदे के सारे राज मुझे पता थे, इसके गिफ्ट में खुद मतलब इसका बेस्ट फ्रेंड थे सब मुझे याद है। तो इतनी लड़कियों के साथ तोबा तोबा, यहाँ तक एक का तो हाथ कर दी, इनका गिफ्ट मैंने दिया, अब ऐसे बंदे से कौन शादी करे, लेकिन मैंने की है देखो, मेरे भरोसा बना लिया ना। भरोसा क्या मतलब भरोसा, आप बोले बहुत बोल रहे थे ना, सीरियस हो जाता हूँ तब मैं सीरियस हो गया। फिर जितने भी थे मैंने सबको साइड पे रख दिया और हाँ। मैंने सबको जो है ना कहा लाफिस बाय बाय, अब मैं अपने पहले इसको पठा लूं फिर सबको लेकर आऊं, तब मैं सीरियस हो गया। फिर उन्होंने जो है ना कहा ठीक है,
तो इन्होंने हाँ कर दिया, बस बात वही थी रिश्ता करने की। मैंने कहा मेरे पास मुझे टाइम चाहिए, तो कुछ पहले बन जाते हैं, कुछ करते हैं, कुछ हो जाते हैं, उसके बाद करेंगे। तो यहाँ से हमारा मिशन। फिर मैंने जो है ना अपनी लाइफ को जो है ना थोड़ा बहुत काम करना शुरू कर लिया। और सबसे बड़ी बात, काम करना शुरू किया नहीं कि उस लड़की ने जो मतलब गिफ्ट उन्होंने दिया था ना, हाँ उन्होंने दिया था इनको, वो मेरे शायद किसी फर्स्ट ब्लॉग में मैंने उसके बारे में कहा था, एक कप था इस तरह का कुछ था, वो आज भी हमारे घर पे रखा हुआ इस बंदे ने। अब ये कहते हैं कि मैंने भरोसा बनाया, उस लड़की का कप आज भी घर पे रखा हुआ। चले फिर स्टोरी में हुआ ये कि फिर मैंने जो है ना इनको बोल दिया, उन्होंने हाँ कर दिया, फिर मैंने मेहनत करना शुरू कर दिया। वो जो फिल्मी सीन नहीं होता, हाँ, बस बच्चा मेहनत कर रहा है और मैं इसे हिम्मत दे रही हूँ। दिन रात जो है ना मैंने एक्ट कर लिया, फिर अपना काम स्टार्ट कर लिया, थोड़ा बहुत इधर उधर से पैसे जमा करके जो है ना अपना कारोबार स्टार्ट कर लिया। शुरू में बड़े जो है ना वो बहुत ही थी, मतलब बहुत मुश्किल, बस थोड़ी बहुत जो है ना एज अ फ्रेंड्स जो है ना बात करती थी, मतलब एज अ फ्रेंडशिप हम बात करते थे, तब मुझे बोलती थी नहीं हिम्मत नहीं आ रहे, हो जाता है, तब सहारा मिल जाता, तो थोड़ी बहुत ऐसी मजाक होती थी। तो बाकी इसी तरह एक साल गुजर गया, एक साल तक अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मतलब जीरो से शुरू करके अपने आप को सेटल कर लिया। इतना तो हो गया था कि अब अपना घर जो है ना अपने आप को चला सकता हूँ। फिर जो है ना मैंने इनको बोला आप बेटा तैयार रहे, मैं अब बच्चा रेडी हो गया जो है ना, हो गया रिश्ता। फिर उन्होंने रिश्ता मतलब रिश्ता भी ऐसे कि एक ही साल में हमारा रिश्ता भी हुआ, एंगेजमेंट भी हुई, तो शादी भी उसी साल में ही होने वाली थी, बस एक मंथ का फर्क था दिसंबर के। अब अकेले रहता हूँ तो बेहतर है बंदा अपनी अकेला खत्म करे खाना कभी, क्योंकि मेरी फैमिली तो फिर क्वेटा में थी, यहाँ में खाना क्या मतलब, तो फिर आया रहते खाना बनाने के लिए, कपड़े धोने के लिए जल्दी शादी की है। इस तरह जो है ना एक स्टोरी बन गई। अब इस स्टोरी में मुझे नहीं लगता कहीं लव था, क्योंकि जो भी था वो फ्रेंडशिप था, लव तो फिर शादी के बाद आया मेरे ख्याल से, वो जस्ट जो भी था वो फ्रेंडशिप, अभी भी लव नहीं है ना मुझे तो नहीं है तो इसको आप लव स्टोरी कहें या फ्रेंडशिप स्टोरी कहें या स्टोरी कहें, जो भी कह सकते हैं, लेकिन ये था कि शुरुआत हमारी फ्रेंडशिप से हुई। बीच में मैं कहा चले बच्चा है अब इतना खेल रहा है तो फिर कर लेते हैं हम, ठीक है ना, बच्चे का भला हो जाएगा, तो इसलिए हमने भी हाँ कर दी, करनी तो वैसे भी है एक दिन, तो क्यों ना कर ले यहाँ पे। तो हमने तो ये थी एक छोटी सी जो है ना हमारी क्या लव स्टोरी, अरेंज स्टोरी या फ्रेंडशिप स्टोरी, क्या स्टोरी, चले आप लोग कमेंट से बताएं कि इसको क्या क्या कह सकते, इसको क्या नाम दे, इस प्यार को क्या नाम दे। ठीक है, से तो बलूची में बनाना था लेकिन काफी लोग को समझ नहीं आता मेरे ख्याल से, हाँ, तो फिर बलूच पता इसके कारनामे किसी को समझ नहीं आते ना, तो मैं इसलिए चाह रही थी कि सब सुने कि ये बंदा कैसा है कैसा नहीं। 100 से 200 लोग मेरे पीछे पड़े हुए थे, लेकिन मैं जो है ना 100 से सिर्फ अच्छा सिर्फ पड़े हुए थे, जो लोग पीछे पड़े हुए होते ना वो वक्ती होते, कोई और मिला रास्ता बदलने में टाइम नहीं लगता। अच्छा तो वो 200 आज कहाँ है, होंगे आसपास मोबाइल के अंदर है मोबाइल के, मोबाइल में क्या है ऐसा। चले ठीक है, तो अब खैर हमारे बीच में तो लव नहीं है, चाहे 200 रखे 300 रखे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो उम्मीद अब इसी के साथ मेरा बोलें बोलें अब आगे बोल नहीं सकती, क्या बोलूं मेरा जीना हराम किया हुआ इन्हीं नैनी के साथ, अब मेरा जीना मरना है। ठीक है, और बाकी क्या कह रहे थे, जो फ्रेंड्स हमारे ब्लॉग देख रहे हैं और बाकी जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल में आए, वो लाजमी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, ठीक है, और ये लाजमी बताएं कि मेरे बलूची जो ब्लॉग्स है वो आपको ज़्यादा अच्छे लगते हैं या उर्दू, ठीक है, ये तो मुझे उर्दू में बनाने थे ताकि इस बच्चे के कारनामे सबको पता चले कि ये कैसा था अब भी कैसे हैं, और आप लोग मुझे लाजमी बताएं आप लोग को हमारी ये लव स्टोरी है या इस प्यार को क्या नाम दिया, आखिर है क्या घिच पिच है जो कि हम यहाँ तक आए। ठीक है, तो आपको ये कैसा लगा मैं कमेंट में लाजमी बताएं। अच्छा चलो ठीक है, फिर बंद करें, हाँ क्योंकि अब मैं थक गई। अच्छा चलो यहीं पे इसको एंड करते हैं, ठीक है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक और व्लॉग में, अभी के लिए फिलहाल अल्लाह।